वैसे तो सबका सपना होता है कि एक बार वैसे परफॉर्म राधा कृष्णा बने और कोई अच्छा बहुत अच्छा सीन भी देखते हैं हम कि ओ ये सीन कितना अच्छा आया है टीवी पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा किया। ख्वाब तो बस जरिया है तुमको पाने का, तेरी सांसों में बस के दिल तक आने का कैसा सफर है। टीवी पहला प्यार हो जिसका, वो सब्सक्राइब करते हैं टेलीजस का। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टेलीजस का, एंड फाइनली आज हमारे साथ ऐश्वर्या है। नमस्ते। सो ऐश्वर्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत प्रीटी लग रही है राधा के ड्रेस में। सो आपको खुद को कितना चेंज फील हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? मैंने एक्चुअली, वैसे तो सबका सपना होता है कि एक बार वैसे परफॉर्म राधा कृष्णा बने, और मैंने ना बचपन से देखा है कि मेरे जो पापा मेरे जगराता करते हैं, तो हम लोग जन्माष्टमी में भी ऐसे एक्ट्स करवाते थे जिसमें लोग आते थे जो राधा कृष्ण बनते थे, प्रॉपर उनका पूरा ग्रुप होता था, तो उनको देख के मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भी करना चाहिए। और देखो अब फाइनली मुझे मौका मिल गया है कि मैं राधा बन के परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे लिए बहुत स्पेशल है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, रिहर्सल की अगर बात करें तो रोहित से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी टफ था, तो आपके लिए इजी था या टफ था? नहीं, हम लोग हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है नहीं हो पाएगा, हमसे हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर एक दो बार हम एक बार और मतलब जब हमें स्टेप्स थोड़ी फेमिलियर हो जाती हैं और समझ में आता है, तो फिर उसके बाद हम कैचअप कर लेते हैं। एंड आई थिंक रोहित और मैंने अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हमें काम करते करते साथ में, तो हम लोग एक दूसरे की ट्यूनिंग समझ गए हैं, तो वो क्या करने वाला है या हम कब लुक्स देने वाले हैं वो भी, तो आई थिंक वो ओवरऑल जो एक्ट निकल के आता है वो अच्छा ही आता है। ओके, शो की बात करें तो हाल ही में काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था शो को, 1 साल हो गया, आपने काफ़ी इमोशनल पोस्ट भी शेयर की थी। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है कि 1 साल हो गया? क्योंकि आजकल टीवी शोज़ जो आते हैं उनको काफ़ी लंबा टाइम नहीं होता, और TRP के चलते या किसी के चलते ऑफ एयर होना पड़ता है। सो इन दिनों में आपका शो नॉन स्टॉप टचवुड TRP में भी है और काफ़ी अच्छा ऑडियंस से भी ये मिल रहा है प्यार। आप मुझे गूज़बम्स आ गया बोल रहे हो तो। मैं एक्चुअली काफ़ी कनेक्टेड हूँ भाग्य लक्ष्मी से, और मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे रोना आ जाता है, और कोई अच्छा बहुत अच्छा सीन भी देखते हैं हम कि ओ ये सीन कितना अच्छा आया है टीवी पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा किया। अभी रिसेंटली एक एपिसोड में ऐसा हुआ है कि लक्ष्मी और बाऊजी की बॉन्डिंग वापस से दिखाई गई है, हाँ, तो वो बहुत, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए पर्सनली बहुत इमोशनल हो गई हैं, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ भाग्यलक्ष्मी से, इसलिए मैं इतने लंबे लंबे पोस्ट्स भी डालती हूँ, क्योंकि मेरी बातें ख़त्म नहीं होती जब भाग्यलक्ष्मी की बात शुरू होती है। तो आई थिंक हमारा प्यार, जो हम इतना प्यार करते हैं अपने शो से, और आई थिंक इस वजह से हम इतने एफर्ट्स भी डालते हैं आप तक पूरा प्रोडक्ट पहुंचाने में, और आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो, मतलब Day 1 से, जब से प्रोमो आया है शो का तब से ऑडियंसेस जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, तो हम सिर्फ आपकी वजह से हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट थिंक आपके बिना हमारा कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ भाग्यलक्ष्मी देखते रहिए और हमें इतना ही सारा प्यार देते रहिए, थैंक यू। अच्छा, हमें पता है कि कई अक्सर आप रील्स या इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करती है, आप काफ़ी अच्छा गाना गाती है, तो फैंस के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? डेडिकेट मेरा, मैं आपको भाग्यलक्ष्मी का ही जो हम यूज़ करते हैं सॉन्ग वो ही गा देती हूँ। ख्वाब तो बस जरिया है तुमको पाने का, तेरी सांसों में बस के दिल तक आने का कैसा सफर है, कैसी डगर है राहतों से दूर हुए जा रहे हैं। ये फैंस के लिए, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। थैंक यू, इट वॉज लवली हैविंग यू विद अस, एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू।